हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लुक सर अलिमिटेड स्टडी जोन तो स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स एंड शॉर्टकट फॉर द चैप्टर कौन सेक्शन सो लेट्स बिगिन सो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो ट्रिक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ओके सो राइट डाउन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सो गाइज टेंजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द पैराबोला okay so let's suppose we have a parabola and obviously this is a parabola y square equal to 4 ax okay so suppose this is the point for where we have to draw the tangent and if this tangent is looking like of the form y is equal to m x plus c y is equal to m x plus c so the necessary condition for the c is c is equals to a by m okay. To be this line as a tangent of the given parabola is c is equals to a by m. Okay, for the given condition c is equals to a by m, the line will be like a tangent to this parabola, and I can write the equation as y is equals to mx plus a by m. Okay, so equation of the tangent for a given parabola y is square equal to 4ax, okay, is mx plus a by n. And one more important point that what is the coordinates ऑफ the टच पॉइंट here ऑन the parabola आर ए अपॉन m स्क्वायर एंड कॉमा टू ए m एम तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे टच पॉइंट ओके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो कॉल ए अपॉन एम स्क्वायर टू एम सो इनको याद रखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू ए अपॉन एम स्क्वायर एंड टू ए बाई एम सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम दिस इज the trick okay a, m, m, a upon m square and 2a by m these are the coordinates of the touch point and one more thing the equation of the tangent is equal to y equal to mx plus a by m so the value of c is equal to a by m this is very important moving to the next trick next shortcut is point number two okay so about the directrix this stick is about the directrix yes this trick is about the directrix let us suppose we have this one parabola and we have the two tangents here yes yes so these are the two tangents and if these two tangents meet them meet each other at an angle 90 degree at an angle 90 degree then uh, the intersection of the perpendicular tangents वॉट इज़ दिस दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स सो लाइक दिस देर आर सो मेनी टेंजेंट्स दे कैन मीट एट नाइंटी डिग्री और यू कैन से देट द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो अगर बहुत सारी टेंजेंट्स हैं और अगर वो नाइन्टी डिग्री पर मीट कर रही हैं सो द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ओके एज आ इज़ आर डायरेक्ट्रिक्स सो दिस लाइन इज़ द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स मतलब अगर कोई पैरा बोला है उसकी टेंजेंट्स अगर एक दूसरे के राइट एंगल हैं और जिन जिन पॉइंट्स जो पॉइंट्स पे मिलती हैं तो उन पॉइंट्स को मिला के जो लोकस ट्रेस आउट होता है दैट इज़ अ डायरेक्ट्रिक्स तो व्हाट यू कैन राइट दैट अ डायरेक्ट्रिक्स इज प्लीज नोटेड डाउन अ डायरेक्ट्रिक्स इज अ डायरेक्ट्रिक्स इज लोकस इज द लोकस इज द लोकस ऑफ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टेंजेंट्स ओके सो मीन्स व्हाट इज व्हाट इज द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होती हैं ओके okay, ये देखिए जिससे सॉरी ये जा रही है तो एग्जैक्टली क्लियर डायग्राम तो अब नहीं आएगा क्योंकि पैराबोला इतना एक्जैक्टली exactly नहीं बना है तो केवल इतना जान लो आपकी जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हुआ करती हैं वो जिन पॉइंट पर मिलता है जैसे सपोज ये आपके पास ये पैराबोला चलो कोशिश करते हैं बना करके ये पैराबोला तो इसकी टेंजेंट एक ये निकाल लो एंड इसकी टेंजेंट एक ये निकाल लो इफ अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जो लाइन जाएगी द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्ट्रिक्स ओके तो डायरेक्ट्रिक्स में जितनी भी टेंजेंट्स मिलेंगी ओके okay? सब सबके एंगल कितने डिग्री होंगे नाइनटी डिग्री होंगे ओके okay? मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स इज द लोकस ऑफ द परपैंडिकुलर टेंजेंस डायरेक्ट्रिक्स इज द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ओके सो यस सर दिस इज़ द वे इन टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स इज़ द परपेंडिक इज़ द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ओके परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट्रिक्स होकर के जाया करती हैं एंड ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ये सारे के सारे कहाँ पर बैठे होंगे डायरेक्ट्रिक्स पर बैठे होंगे चलिए आइए अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पर चलते हैं तो देखेंगे अब जो प्रॉपर्टी हम उठा रहे हैं वो नॉर्मल की प्रॉपर्टी उठा रहे हैं ओके नॉर्मल सो नॉर्मल के लिए कंडीशन क्या है ये अगर आपके पास कोई इक्वेशन है यह आपके पास पैराबोला है ओके मोस्टली पैराबोला बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो इफ वी हैव अ पैराबोला ओके एंड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ अ नॉर्मल ओके सपोज ये देखिए ये एक नॉर्मल जा रहा है बिकॉज ये टेंजेंट होगी सो so ये नाइन्टी डिग्री बनेगा ये नॉर्मल होगा इज अ नॉर्मल देन okay. अगर आपके पास में ये नॉर्मल पे तो इस c की कंडीशन याद रख लीजिए सी इज इक्वल टू माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब याद रख लीजिए ये कंडीशन है किसकी नॉर्मल की c इज इक्वल टू माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब वट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होगा एम एक्स अब सी की वैल्यू रखनी है आपको तो एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब याद रख लीजिए ये इक्वेशन किसका नॉर्मल का है इन द टर्म्स ऑफ स्लोप स्लोप के टर्म्स में वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस एम क्यूब वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब बार बार इसको याद कीजिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस एम क्यूब अभी आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था वो क्या था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस ए बाई एम था है ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम और <clears throat> यहाँ पर आपके नॉर्मल का क्वेश्चन कितना है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ई एम क्यूब अब निकालते हैं हम देखिए नॉर्मल के टच पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि नॉर्मल जिन पॉइंट पे कांटेक्ट uh, करेगा ओके okay, वो टच पॉइंट क्या होंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे नॉर्मल के साथ अब टच पॉइंट तो नहीं बोल सकते क्योंकि नॉर्मल तो इंटरसेक्ट करता है है ना सो so, आप मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास ये कोई पैराबोला है ओके okay? ये पैराबोला है और ये आपके पास में नॉर्मल का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एज दिस इज़ नॉर्मल सो इट विल इंटरसेक्ट द पैराबोला एट इट डिग्री ओके सो क्वेश्चन क्या था वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है तो अब आपके पास ये पॉइंट ऑफ ये पॉइंट क्या होगा तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए नॉर्मल के जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं ए एम स्क्वायर माइन और कॉमा माइनस टू ए एम यस ये हुआ करते हैं ओके ए एम स्क्वायर और माइनस कितना टू एम एम स्क्वायर माइनस टू एम आपको याद कीजिए आपको मैंने टेंजेंट में जो पॉइंट बताए थे वो क्या थे एक बार फिर से मैं रिकॉल करूँगा टेंजेंट के पॉइंट क्या थे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो टच हो रहा था वो टेंजेंट के पॉइंट क्या थे यहाँ पे याद याद कीजिए आज ही मैंने बताया आपको ए अपन एम स्क्वायर ओके ए अपॉन एम स्क्वायर एंड कॉमर टू ए बाई एम तो देखो यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी यस, yes. सो so, आपके पास में जो पॉइंट्स क्या हुआ करते थे शुरू में मैंने बताया ए स्क्वायर अपॉन टू ए बाई एम ओके ए स्क्वायर ए सॉरी ए अपॉन एम स्क्वायर एंड टू ए बाई एम अब यहाँ देखो जो एम स्क्वायर है इधर पे क्या हो गया उधर मल्टीप्लाई हो गया ऊपर चला गया है एंड माइनस यहाँ पे आ गया है माइनस टू ए बाई एम ठीक है ना तो आपके पास में ये दोनों टेंजेंट और मैंने नॉर्मल के दोनों के मैंने टच पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिए हैं एक बार मैं दोनों को कम्बाइंडली लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे आपके पास में तो सबसे पहले आपके पास मैंने टेंजेंट पढ़ाई आज टेंजेंट का इक्वेशन मैंने आपको बताया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम और इस पर जो आपको टच पॉइंट मिलते हैं वो कितने मिलते हैं ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम ये आपको मिलता है देन मैंने आपको नॉर्मल बताया तो नॉर्मल में ये जैसे आपके पास पैरा बोला है ये देखिए नॉर्मल बन रहा है आपके पास में सो so, इस नॉर्मल में आपके पास जो नॉर्मल जो नॉर्मल होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम ओके एंड माइनस uh, का कितना एम क्यूब वाई इज ईक्ल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस एम क्यूब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी पता करती है यहाँ पे सी इज़ इक्ल्स टू ए बाई एम निकलता है यहाँ पे सी इज़ इक्वल्स टू माइनस टू एम माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब बनता है अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की इनकी तो इसके कॉर्डिनेट देखो ये क्या था ए अपॉन एम स्क्वायर था तो ये एम स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये ए एम स्क्वायर हो जाएगा ये कितना टू ए अपॉन एम था तो इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का टू ए एम ओके बस अच्छे से पढ़ जाइए याद कर जाइए इनको तो बहुत अच्छा बात होगा ठीक है सो so, ये नॉर्मल के बारे में कम्प्लीट बात हो गया चलिए तो ये अब नेक्स्ट फॉर्म में देखते हैं हम पैराबोला के ऊपर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का इक्वेशन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स आपके पास में पैराबोला है देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ एक्स वन वाई वन या अगर आपके पास पॉइंट फॉर्म दिया गया हो तो इक्वेशन क्या होता है वाई वाई वन इज इक्वल टू फोर ए एंड एक्स प्लस एक्स वन बाई टू सो इट विल बिकम वाई वाई वन इक्वल्स टू टू ए एंड एक्स प्लस एक्स वन ये इक्वेशन है देखिए सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ओके किसका इक्वेशन है टेंजेंट का है एट द पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन एट इन इन पॉइंट फॉर्म किस फॉर्म में है पॉइंट फॉर्म में है अब देखिए अगर आप जानते हैं कि जो कार्टीशियन फॉर्म में जो आपके पास में पॉइंट हुआ करता है पैराबोला में वो क्या होता है ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी तो अगर आप यहाँ इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लाना चाहते हैं तो x की प्लेस पर एक्स वन की प्लेस पर आप क्या पुट कर दीजिए ए टी स्क्वायर और वाई वन की प्लेस पर आप क्या पुट कर दीजिए टू ए टी सो यू कैन पुट हीयर वाई इंटू टू ए टी इक्वल्स टू टू ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए टी स्क्वायर यस सो टू ए से टू ए कैंसिल हो गया सो वाई इंटू टी इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट अच्छा ए तो बचा ही नहीं ए कैंसिल हो गया वाई इन टू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ओके सो ये आपके पास में पैराबोला का किस फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म का टेंजेंट इक्वेशन है ओके सो द टेंजेंट इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म दिस इक्वल टू वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन फॉर्म वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर बाकी तो हम पता कर ही चुके हैं जो अपने पास में स्लो फॉर्म में आया करता रहा वो क्या था वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वे सी इज़ इक्ल्स टू ए बाई एम और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे ए अपन एम स्क्वायर एंड टू ए बाई एम यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अभी हमने पढ़े थे शुरुआत में ही ए अपॉन एम स्क्वायर एंड टू ए बाई एम तो सारी चीज़ें ये रिलेटेड टू द पैराबोला टेंजेंट के अपने सारे फॉर्म्स यहाँ पर मैंने बता दिए चाहे वो पॉइंट फॉर्म हो चाहे वो आपका एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म में मतलब स्लो फॉर्म में हो uh, चाहे वो नॉर्मल हो है ना तो सारे के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में डिस्कस कर लिया सारे के सारे फॉर्म यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए ओके डन सो ओके गाइस अभी पैराबोला की क्लास में इतना ही uh, फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में थैंक यू सो मच फॉर बींग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज ओन